नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। राजनीति में कौन, कब, कहां, कैसे और किस पार्टी में चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और उत्तराखंड में तो ये चला नाम है। नेता लगातार पार्टियां छोड़ने में लगे हैं। कोई बीजेपी में जा रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहा है, तो कोई कांग्रेस के गुणगान गा रहा है। इसी दल बदल ने 2016 में हरीश रावत की सरकार को असहज किया था। कांग्रेस के 11 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसमें हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य भी शामिल थे। फिलहाल कांग्रेस में इनकी वापसी हो चुकी है, लेकिन हरीश रावत इनका गम आज तक नहीं भूल पाए हैं। अब कांग्रेस के नेता कांग्रेस को कमजोर बताकर कांग्रेस की चुनौती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इस बात का दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि हरक सिंह रावत फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसलिए वो कांग्रेस को कमजोर बता रहे हैं। हालांकि हरक सिंह रावत पिछले दिनों ही मीडिया से बातचीत में कहीं जाने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ हरक की बयानबाजी किसी के गले नहीं उतर रही। कांग्रेस पहले भी मीडिया में हरक बीजेपी छोड़ने का दुख जाहिर कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में सब कुछ अचानक होता है। वहीं इस पूरे मामले पर हरीश रावत का कहना है कि वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने हरक को कांग्रेस में वापस बुलाया। हरीश का कहना है कि हरक ने 2016 में कांग्रेस को बहुत बड़े ख्वाब दिए हैं, लेकिन फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें वापस बुलाया। वहीं हरीश रावत ने विजय बहुगुणा को 2016 में हरीश सरकार को असहज करने का मेन आर्किटेक्ट भी बताया। राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा है कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा। आप देखिए, कोई देखिए, मेरी किसी से कोई इस विषय पे ना कोई बात हुई है, ना मैं बात कर रहा हूँ। और आज प्रीतम भाई, भुवन जी, राजकुमार जी, विजयपाल जी, लालचंद जी, सब लोग बैठे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आपस में बातचीत करके जो भी करेंगे अच्छा करेंगे कि आगे हम लोगों को किस रूप में, किस तरह काम करना है, कैसे आगे काम करें, इस पर हम लोग आपस में चर्चा की है। कमजोर की आपने बात की, तो किस के जरिए जो है आरक्षी दावा फिर भाजपा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इन बातों के सोने का कुछ मालूम तो कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, हमसे बड़े दिल दिखाने की बात लोग कह रहे हैं, और ये हमारा बड़ा ही दिल था। जिन लोगों ने 2016 में ज़बरदस्त घाव लगाए पार्टी पर, हमारी सरकार पर, हमने बिना छू चप्पल आओ भैया कह दिया, तो हमने तो बड़ा दिल दिखा चुके हैं। लेकिन कहीं एकजुट रहने का दिल सब कुछ है, तो समय एकजुट होने का समय है। और बाकी मेरा आशीर्वाद सबके साथ। भाजपा से निकाले जाने का आज तक दुख है हरक सिंह रावत जी को? हरक सिंह रावत जी को आज तक दुख है भाजपा से निकाल जाना? वो कहते हैं ये बिना बताए निकाल दिया, मेरी कोई गलती नहीं। हालांकि कहीं ना कहीं उनका मूड दोबारा है भाजपा। इससे मुझको भी तकलीफ है, इस बात को बार बार कहना कि मैं तो जाना नहीं चाहता था, मुझे निकाल दिया भाजपा ने। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम तो मजबूरी वाली तुम्हारी चॉइस थी, नहीं तो दिल से तो तुम नहीं आना चाहते थे। तो ये ज़रा सा बड़ी तकलीफ पहुँचा रही है। असल में देखो, मैंने कितना बड़ा, क्या किस तरीके से दिल दिखाया होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। ये और विजय भगवान मेन आर्किटेक्ट सरकार गिराने के, तो आप अंदाज लगा सकते हैं। अब ये कहना कि मुझे भाजपा छोड़ना ही नहीं चाहता। कितने प्रोग्रामों में उपस्थित रहे इन 3 महीने में, ये प्रश्न है। मैं वो सीनियर है, मैं उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये उनसे भी अपील करूँ कि इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर आप पार्टी को कुछ दे रहे हैं तो स्वीकार है, लेकिन पार्टी का नुकसान करेंगे तो फिर वो स्वीकार नहीं। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ सूरज सिंह नेगी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। नेगी साहब, शुरुआत आप ही से करते हुए, आखिर क्या कारण है कि हरक सिंह रावत, जिन पर पहले ही दल बदल में हरीश रावत की सरकार को पूरे तरीके से खत्म करने का आरोप लगा, उसके बाद उनको पार्टी में फिर से शामिल कराया गया, और अब एक बार फिर से उनके जाने की अटकलें लग रही हैं? समाधान नहीं है ये, जब तक कोई बात सामने नहीं आ जाती, खाली अटकलें जो है लगाने से काम चलेगा नहीं। तो ऐसा है कि अब अटकल
दंगलबाजी को हवा में तैरती रखनी है, कहीं कुछ है नहीं, कोई कुछ ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। और भरत सिंह जी कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस में उनकी निष्ठा है और उसी निष्ठा के कारण वो कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस के नेता के रूप में, कांग्रेस के साथी के रूप में वो लोग जो है काम कर रहे हैं। 2016 में कहां चले गई थी उनकी अनिष्ठा, अब वो आए हैं और अब फिर से वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कमजोर विपक्ष है। देखिए, कांग्रेस कमजोर नहीं है और निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी है कि उनका कहने का सेंस ये है कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, विपक्ष जो है संख्या बल के हिसाब से सदन में हमारी संख्या कम है और चूंकि सत्ता पक्ष के पास संख्या बल ज्यादा है और वो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते हैं सदन के अंदर भी संख्या बल के आधार पर, इस आधार पर उन्होंने जो है सफाई पेश की है कि इस सेंस में कमजोर है वहां। वैसे जो है कांग्रेस न तो कहीं विचारों से कमजोर है न कहीं कार्यकर्ताओं से कमजोर है। आज भी उत्तराखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी से 3% कम मत हमको मिला है, भले ही सीटें हमारी काफी कम रह गई है उनकी तुलना में, पर जो मत का अंतर है वो केवल 3% है। तो इसलिए कहीं पर भी जनता ने जो है कांग्रेस को इतना कमजोर नहीं छोड़ा है कि बिल्कुल ही हम बहुत कमजोर हो जाए। तो हम टक्कर में है और निरंतर जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे, जनहित के मुद्दों पर जो है संघर्ष करते रहेंगे, वो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है संजीव वर्मा जी, कांग्रेस का तो साफ कहना है कि हरक सिंह रावत ने सफाई भी पेश कर दी है और वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन अटकलें हैं कि बीजेपी में शामिल एक बार फिर से हो सकते हैं हरक सिंह रावत। देखिए, ये एक कल्पना लोग की कहानियों की तरह इसको मैं देखता हूँ और एक सिवाय मीडिया की कल्पना के इसमें किसी प्रकार का कोई दम मुझको नजर नहीं आता। लेकिन जिस तरह से एक अनायासी कुछ दिनों से जो बयानबाजी बहुत तेजी के साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर विभिन्न गुटों में आपस में चली है, तो उन्होंने जिस तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष पे उनकी कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को अक्षम की श्रेणी में रखने का काम किया, उन्होंने कहा कि आपसे संगठन प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा है और अगर मैं संगठन को चलाऊं तो मैं उसको और तेज गति दे सकता हूं, इस प्रकार की बयानबाजी करी। तो एक तरह से सीधा सीधा उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाने का काम किया, उनकी कार्य क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। साथ ही जिस तरह से उन्होंने हरिद्वार सीट से जो लोकसभा चुनाव लड़ने की एक बात कही कि मैं हरिद्वार से अगला लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, इस तरह से उन्होंने बोला कि जैसे वो पार्टी के एक शंभू नेता और प्रणेता है और शायद एक डिसाइडिंग फैक्टर है, उनके सामने प्रदेश अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं, उनके सामने राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई वैल्यू नहीं। तो जिस तरह से उन्होंने अपने स्व ही डिक्लेयर कर दिया कि मैंने ही यहाँ का चुनाव लड़ना है, इन सारी चीजों से मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जबरदस्त अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हुई है और हरीश रावत जी को ये दिखाई देने लगा कि हरक सिंह रावत मेरे लिए घोर प्रतिद्वंदी की भूमिका में शायद आने वाले समय में खड़े होने वाले हैं और इसी सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए शायद ये जो उनके पार्टी छोड़ने और बीजेपी में आने की ये एक हवाएं उड़ी है। ठीक है संजीव वर्मा जी, ठीक है लोटर में फौरन आपके पास, ठीक है नेगी साहब, ठीक है संजीव वर्मा जी आ रहे हैं। नेगी साहब, संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि हरीश रावत को ये डर खाया जा रहा है कि आने वाले समय में हरक सिंह रावत उनको फिर से टक्कर दे सकते हैं। नेगी साहब जी,
आपसे सवाल। अच्छा मुस्कान जी, देखिए ऐसा है, हमारे सम्मानित भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्मा जी कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहीं भी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पे सवाल नहीं उठाया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पे कहीं सवाल नहीं उठाया, और उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, और स्पष्टीकरण में उन्होंने अपनी पूरी बात कही। स्पष्टीकरण गलत चीजों का ही तो दिया जाता है ना नेगी साहब, पहले ही वो ये बात क्लियर कर सकते थे कि इस बारे में कह रहे हैं, बाद में स्पष्टीकरण देने का मतलब क्या, ये तो बात को घुमाने वाली बात हुई। देखिए ऐसा है कि जब हमारे प्रेस के लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, रस्सी का सांप बना देते हैं, तो तब जवाब देना जो है अपरिहार्य हो जाता है। और जब व्यक्ति अपना स्पष्टीकरण दे देता है, देखिए जब आदमी बात कर रहा होता है तो उस समय रो में क्या कह रहा है, कैसे बात हो रही है, तो कभी कभी इस टाइप का भी हो जाता है, परंतु उस बात का आशय क्या है, मेरी बात कहने का आशय क्या है, जब आशय वो समझा देते हैं उसके बाद कहीं पर कोई शंका नहीं रह जाती है, उनके बयान जो है उसके लिए पर्याप्त है। अगर मीडिया से इतना ही डर लगता है तो पहले सोच समझ कर बोल लीजिए ना आप। हर बात आप देखिए, कांग्रेस की आदत हो रही है, हर बात लाकर मीडिया पर थोप देते हैं कि आपने ये किया आपने वो किया, जरा खुद को भी देख ले। आपके खुद के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है, आपकी खुद की पार्टी के नेता को विश्वास नहीं पार्टी पर। देखिए उन्होंने ये इस सेंस में नहीं कहा, उन्होंने अपने सदन के अंदर संख्या बल को लेकर के कहा कि 70 सदस्यीय विधानसभा में हम केवल जो है 19 लोग हैं, और आज जो है सत्ता पक्ष जो है संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के लोगों को दबाने का काम कर रहा है, कांग्रेस की आवाज को दबाने का काम कर रहा है, और वो कांग्रेस की नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। इसलिए जो है ऐसा कहीं पर नहीं है, कोई अंतर्द्वंद नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, कोई हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ में खड़े हैं, और जो आंतरिक लोकतंत्र की बात है वो कांग्रेस में जो है पूरा आंतरिक लोकतंत्र है, यहाँ पर जो है अपनी बात। अच्छा ये बता दीजिए, हरक सिंह रावत को रोकने की कोशिश करेगी कांग्रेस के नहीं? रोकने की आज जाने की कोई बात हो ही नहीं रही है, अभी तो केवल ये मीडिया की कयासबाजी है, और उस कयासबाजी का कोई सेंस नहीं होता, उस पर सवाल कोई बनता ही नहीं बात करने का। 2016 में भी सिर्फ कयासबाजी थी और उस कयासबाजी ने आपकी सरकार गिरा दी थी नेगी साहब। देखिए अब कयास अपना रंग दिखा देती है, कहीं पर खाली कयास ही रह जाते हैं, तो इस प्रकार से जो है आज के समय में जिस प्रकार से दल बदल जो है एक फैशन बन गया है, उसमें आप ये देखिए ना, पार्टियों के भी तो जिम्मेदारियां हैं, जो पार्टी अपने में इस प्रकार से जो है दल बदल कराने को प्रोत्साहित करती हैं, उनको चाहिए कि लोकतंत्र में दल बदल जो है ये घातक है। कल तीसरे दल में निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए जो है घातक है, और एक लोकतंत्र का मजार बन करके जो है संसदीय प्रणाली जो है हमारी जो दलीय व्यवस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको रोकने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा है, सत्ता पक्ष जो है इस प्रकार के प्रलोभन और इस प्रकार के अगर काम करता है कि दल बदल कराता है, दल बदल में जो है जिस प्रकार से 2014 के बाद दल बदल की एक बाढ़ सी आ गई है, तो ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, और जो हमारा प्रजातंत्र है उसमें जो है जनता अपने को ठगा सा महसूस करती है। ठीक है नेगी साहब, संजीव वर्मा जी। देखिए जिस तरह से मेरे भाई नेगी जी ने भी कहा, तो अभी विगत 2-3 दिन पहले ही आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री महाराज जी ने जब ये आपस में गुटों की टिकट टिप्पणी चल रही थी, तो उन्होंने सीधा सीधा हरक सिंह रावत जी को एक कटाक्ष करते हुए कहा कि वो लोग जो ना बैठकों में आते हैं ना पार्टी की रीति नीतियों से उनको कोई लेना देना है, और पार्टी को लगातार कमजोर करने का काम कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे 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 लोगों को
बाज आना चाहिए। तो उसके बाद तुरंत ही पलटवार करते हुए हरक सिंह रावत जी ने मीडिया को गाइड दी और उसने कहा कि आप एक बयान देते हैं और एक कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद 10 दिन 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। अगर हरक सिंह रावत, उन्होंने अपने लिए बोला कि अगर हरक सिंह रावत ये सब कार्यक्रम करवाएगा तो उसकी गति कुछ और होगी बनस्पत की आपके। तो इसे सीधा सीधा संकेत ये जा रहा था कि उन्होंने करण महाराज जी की जो कार्य क्षमता कार्यशैली है उस पर सीधी सीधी उन्होंने टिप्पणी करने का काम किया। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उनकी कार्य क्षमता को कम आंकते हुए अपने आप को उनसे बेटर परफॉर्मेंस देने वाला व्यक्ति एक तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया। और जिस तरह से वो कभी हरक सिंह रावत जी हरीश रावत जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो कभी किसी अन्य ग्रुप के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर जो पहले से ही तीन गुट चार गुट थे उनमें एक नए हरीश रावत गुट की एक जो जबरदस्त एंट्री हुई है और जिसने एक कांग्रेस के अंदर एक कोहराम सा मचा दिया है, तो उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी को कल इनके जो प्रदेश प्रभारी हैं उनको एक बड़ी बैठक करके और ये तक बोलना पड़ा कि जो भी व्यक्ति अब इस तरह के नर्गल बयानबाजियां करेगा तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो मैं सोचता हूँ जो ये बार बार एक आंतरिक लोकतंत्र का एक बड़ा नारा देते हैं कि हमारे यहाँ सबको बोलने का अधिकार है और अनुशासनहीनता करने का अधिकार है, मैं सोचता हूँ इनका आंतरिक लोकतंत्र भी आने वाले समय में खतरे में पड़ने वाला है। ठीक है नेगी साहब, आप जवाब दे दीजिए वर्मा साहब की बातों का। देखिए वर्मा जी ने कहाँ देखा उनकी बाइट, कहाँ इन्होंने सुनी, किस रूप में सुनी मुझे नहीं पता, जिस प्रकार से नहीं तो करण महाराज की तो आपने अभी सुन ली होगी ना, हमने ही सुना दी करण महाराज की, तो वो तो कह रहे हैं कि बता दें जो सवाल उठा रहे हैं पार्टी पर वो खुद कितने कार्यक्रमों में आए बता दें। निश्चित तौर पर नहीं, मुस्कान जी निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो लोग पार्टी को कमजोर बता रहे हैं तो उनसे सवाल पूछे हैं और अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर है तो उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि फिर आप टिकट किस हिसाब से मांग रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर है तो कमजोर पार्टी का टिकट नहीं मांगना चाहिए। आपने इच्छा जाहिर की है कि मैं हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, तो जब पार्टी कमजोर है तो चुनाव लड़ने का क्या दुख होता है। तो वो सब बातें आपसी बातें हैं, वो कही है और उसी के परिपेक्ष में हरक सिंह रावत जी ने सफाई दी है कि उनका आशय कहीं नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस ना कभी कमजोर थी, ना है और ना होगी। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ में उत्तराखंड प्रदेश में जो है, कांग्रेस की मजबूती तो दिखी जाती है नेगी साहब, हमारे कांग्रेस की मजबूती तो उस समय दिखी जाती है जब हरीश रावत और प्रीतम सिंह मीडिया के सामने आकर किस तरीके की बातें करते हैं। अब आप उसको आप उसको कहते हैं कि ये कोई गतिविधि नहीं है, आप खुद कहेंगे कि ये कोई पार्टी में गतिरोध नहीं है। दो लोगों के कोई मतभेद हो सकते हैं किसी मुद्दे पर, तो उसको हम कोई ऐसा मामला नहीं मान सकते जो पूरी पार्टी का वो मामला हो। और मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, और हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में, अपने प्रदेश नेतृत्व के नेतृत्व में सब लोग एकजुट हैं और पूरी ये मनभेद ही तो है ना नेगी साहब, जो ये मनभेद नहीं, इससे मनभेद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, मतभेद नहीं है ये मनभेद है कि विधानसभा चुनावों में हार का जिम्मेदार कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। वो जिम्मेदारी जब ले लिया तो उसके बाद हरीश रावत आते हैं मीडिया के सामने और अपने आंसू दिखाते हैं, रो रो कर वो बताते हैं अपनी सारी बातें, व्यथा बताते हैं, तो आखिर कैसे मान लिया जाए कि मनभेद या मतभेद नहीं है। देखिए हम लोगों का जो चिंतन शिविर हुआ है उसमें सारी बातें सामने आई है और जो भी जिनकी बातें थी कार्यकर्ताओं की, वो सब की नेताओं की कार्यकर्ताओं की सब सामने आई है। और संकल्प शिविर में हमने संकल्प लिया है कि पिछली बातों को भूल करके अब बीती ताई दिशा और आगे की सूची है,
पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन क्या है, अब केवल हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे पार्टी में, तो वो न तो पार्टी के हित में है और न प्रदेश के हित में है, न उत्तराखंड की जनता के हित में है। इसलिए जो है पीछे के मुद्दों को छोड़ते हुए, पिछली बातों को हम भुलाते हुए आगे भविष्य की चिंता करें और जनता के जो मुद्दे हैं उसके लिए जो है संघर्ष करने का काम करें। और निश्चित तौर पर हम प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद आधे से ज्यादा सड़कों पर है इस समय। मुस्कान जी देखिए, कांग्रेस को पहले अपने घर की चिंता करनी चाहिए, अपने घर को पहले ये संभाल लें, अपने घर के बिखराव को ये संभाल लें। जिस तरह से हरीश रावत जी स्वयं घोषित कर चुके हैं कि मैं कांग्रेस की जेठानी हूँ, तो हरीश रावत जी जेठानी बनकर अपनी जो देवरानियां है उन पर जो अत्याचार कर रहे हैं, तो पहले तो उससे उनको बाहर आना चाहिए और ये भी उन्हें बता देना चाहिए कि बाकी की जो देवरानियां हैं उनसे उनके जो तारतम्य है वो कब सामान्य होंगे। जिस तरह से कभी वो जैसे ही एक गुट बयान देता है तुरंत तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरा गुट दे देता है, तो मैं सोचता हूँ कि जनता के मुद्दों के ऊपर सोचने का तो कांग्रेस के पास समय रहा ही नहीं है। ये लोग आपस के जो एक गुटबाजी जो अंतर्द्वंद है उससे ही ये लोग पहले पार पाले, तो उसके बाद इनको जनता की शायद सुध आएगी। और जिस प्रकार से मुस्कान जी लगातार कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ता, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, अभी हरिद्वार जिले के 750 का तो एक पूरा बल्क में मैं सोचता हूँ हरिद्वार का लगभग पूरी तरह से इन लोगों ने सफाया जैसा ही किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद, पंचायतों के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक का चुनाव लड़े, सांसद का चुनाव लड़े और इनके सचिव, इनके जिलाध्यक्ष, इनके प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री तक एक इतना बड़ा गुट जिन लोगों ने एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की होगी, वो सभी उन लोगों का जो कांग्रेस के अंदर ये जबरदस्त गुटबाजी का ये आलम चल रहा है, इन सारी चीजों से त्रस्त होकर और ये भी इस चीज का भी आकलन करके कि कांग्रेस पार्टी शायद आपस के अंतर द्वंद से उभरने वाली नहीं है और कांग्रेस एक लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका निभाने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से माननीय मोदी जी की विकासवादी नीतियां सबके सामने है, जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की विकासवादी नीतियां सबके सामने है, उन सबसे प्रभावित होकर, उन सभी नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होते हुए एक बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और मैं सोचता हूँ ये क्रम जो है संजय वर्मा जी फिर से आपके पास नेगी साहब, बीजेपी का कुनबा तो लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन कांग्रेस अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही है, फटाफट से जवाब दे दीजिएगा, समय भी समाप्त हो रहा है। देखिए हमारे संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है जनता के लिए संघर्ष नहीं कर रही है, अग्निपथ योजना का जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पर जल्दी से बात पूरी कीजिएगा 15 सेकंड में नेगी साहब, समय के समाप्त, महंगाई को लेकर और जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है इसको लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, तो ये इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल क्या है, कांग्रेस का अंतर्कलह दिखाकर कांग्रेस को बदनाम कर करके ये दिखाना चाहती है कि जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, पर जनता देख रही है
ठीक है नेगी साहब, समय समाप्त हो चला है, समय समाप्त हो चला है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी का कुंबा लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो पार्टी छोड़ छोड़कर बीजेपी की ओर जा रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी की ओर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस खुद को किस तरीके से एक बार फिर से मजबूत कर पाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।